हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि जो साल भर में जितनी भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो उसी में हम पहली जो योजना है और सबसे बड़ी योजना बताई जा रही है जिसको, वो कौन सी है जो प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो है आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और राज्य सरकार की, ठीक है, तो जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उनको मिलाकर जो है एक योजना बनाई गई है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो 5 लाख से 20 लाख तक के जो है जो गरीब परिवार है उनको जो है निःशुल्क इलाज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, 5 लाख से 20 लाख तक के। ठीक है, और इसमें इसको लागू कब से किया जा रहा है, तो 1 जनवरी 2020 से जो है ये लागू किया जा चुका है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो है जितनी योजनाएं को मिलाने की बात करी गई है जो स्वास्थ्य संबंधी है उसमें कौन कौन सी योजनाओं के मिलाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संजीवनी सहायता कोष है, ठीक है, जो आपके प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही थी 2001 से, उसको मिलाया गया है। ठीक है, ये 2001 से चलाई जा रही है और इसमें जो है 30 प्रकार के रोगों का इलाज कराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 30 प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा था और इसमें जो है 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत एक मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना स्टार्ट की गई थी सीएम भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, जिसकी सहायता राशि आपके 20 लाख रुपए रखी गई थी। इसमें पात्रता क्या थी कि जो सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो शामिल नहीं है, ठीक है, उनको शामिल किया जाए, जिनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है उनको इसमें शामिल किया जाए। दूसरी चीज, यहाँ जो नई योजना में जो हितग्राहियों का नाम नहीं है, ठीक है, पहले में जो है और नई योजना में जिनने इस हितग्राही का नाम नहीं है और जो जरूरतमंद है, ठीक है, उनका नाम जो है इसमें शामिल करना और इलाज हेतु जिनके पास पर्याप्त राशि नहीं है, ठीक है, उनको जो है इसमें शामिल करना, इसके लिए ये सब पात्र होंगे। ठीक है, ये था मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। आगे देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, ठीक है, ये जो है 2008 से चलाई जा रही थी हम राज्य में, जिसमें क्या था कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों का, ठीक है, इसमें क्या करना, हृदय से जो संबंधी बीमारी होती है या हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, उसके लिए जो है इसमें जो है सहायता राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, जिसमें अगर नॉर्मल सर्जरी हो, ठीक है, अगर किसी के हार्ट की अगर नॉर्मल सर्जरी कराई जा रही है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, सॉरी 1,30,000 रुपए, और उस जटिल होता है तो आपका 1,50,000 रुपए, और वॉल्व रिप्लेसमेंट अगर करना हो तो 1,80,000 रुपए का आपको सहायता राशि दी जाती थी बाल हृदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें जो है 15 साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता था। तो इसको भी जो है आपके नई योजना में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी योजना को शामिल किया गया है, जो आपकी मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना थी। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना जो 2010 से जो है आपके राज्य में चलाई जा रही थी उसको भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें ये किया जाता था जिनको जो है बाय बर्थ, मतलब जन्म से जो है जिनको कान में प्रॉब्लम होती थी, जिनको सुनाई नहीं देता था, या फिर बोला जाए जो बहरापन के शिकार थे, ठीक है, उनके लिए योजना चलाई जा रही थी, उनको उनको आर्थिक सहायता दिया जा रहा था इसमें ही। ठीक है, और इसमें जो है कंप्लाइनर इम्प्लांट सर्जरी भी इसमें कराई जाती जो कानों से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, जो 2012 से चलाई जा रही थी। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो है बीपीएल परिवारों के लिए चलाई जा रही थी और इसमें जो है
बीपीएल परिवारों को जिन जो इसमें शामिल थे, इसमें जिनका पंजीकरण हुआ था, उनको 50,000 तक जो है मुफ्त इलाज किया जा रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014, ठीक है, इसमें जो है 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे, ठीक है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, मुझे हर तरफ जिस तरह से उनकी बीमारी होती थी, नॉर्मल जितनी बीमारी हो रही है उनको, ठीक है, चाहे मौसम परिवर्तन की वजह से हो, तो उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण करना, ठीक है। और ये कहाँ से किया जाएगा, तो स्कूलों में है, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इनके माध्यम से जो है बच्चों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण करना था इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको भी जो है आपके इस योजना में मिला लिया गया है, डॉक्टर खूबचंद खिल स्वास्थ्य सहायता योजना में, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, जो 2018 से चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो था कि जो गरीब परिवार थे, ठीक है, उनको जो है हर परिवार को, जो बीपीएल परिवार थे, जो गरीबी से गरीब, मतलब जो बीपीएल थे, जो गरीब परिवार थे, उनको 5 लाख तक का जो है उनको फ्री इलाज के लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। जिसको भी जो राज्य सरकार की योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत मिला दिया गया है, ठीक है। तो आपको इन योजनाओं को भी याद रखना है, और जो अभी हाल में जो योजना बनी है स्वास्थ्य सहायता योजना, उसको भी याद रखना है, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा कि किसको नहीं मिलाया गया है, कौन सा योजना इसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन उठा के दे दिया गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य अगर दे दिया कार्यक्रम 2014 जो योजना चलाई गई थी वो किससे संबंधित है, तो इन चीजों को आप यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्कीम थी कौन सी है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मेहरार चो मान योजना, ठीक है। ये जो मेहरार चो मान है ना, ये जो है आपकी हल्बी भाषा का है, ठीक है। ये हल्बी भाषा में है, क्या है, मेहरार चो मान, ये हल्बी भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि महिलाओं का सम्मान, ठीक है। तो ये योजना जो है चलाई जा रही है प्रदेश में, जो दंतेवाड़ा में संचालित हो रही है, ठीक है। तो हल्बी मुख्यतः जो दंतेवाड़ा, बस्तर इस तरफ जो है रहते हैं, ठीक है, तो उधर जो है आपकी मेहरार चो मान योजना चलाई जा रही है। अब ये क्यों चलाई जा रही, तो महिलाओं से संबंधित है, तो इससे आप याद रख सकते कि जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, उनको क्या करना, निःशुल्क सैनिटरी पैड का उनको वितरण करना, ठीक है। और साथ ही जो उनको पीरियड से लेके जितनी भी उनको पुरानी भ्रांतियां हैं, जैसे कपड़े वपड़े का यूज करना, ठीक है, और पुरानी जितनी भी उनकी भ्रांतियां हैं उनके प्रति उनको क्या करना, जागरूक करना, ठीक है, कि वो पुरानी भ्रांतियों को छोड़े और सैनिटरी पैड वगैरह जो है यूज करें, ठीक है। तो ये था इनका इस योजना का अंत कि निःशुल्क जो है सैनिटरी पैड जो है महिलाओं और किशोरियों को प्रोवाइड करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री तीरथ भरत योजना, ठीक है। तो तीरथ भरत को सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है लैंग्वेज, और ये है तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का नाम जो है आपका बदल के कर दिया गया है मुख्यमंत्री तीरथ भरत योजना, ठीक है। ये जो है 2015 से चलाई जा रही थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, पूरे जीवन काल में एक बार जो है तीर्थ यात्रा करवाना है किनको, जो 60 साल से अधिक है, जो बुजुर्ग है, ठीक है, और जो निःशक्त जन है, ठीक है, जो डिसेबल पर्सन है, उनको जो है जीवन काल में एक बार जो है तीर्थ यात्रा करवाना, ठीक है। इसमें जो है 60 प्लस, जो 60 साल की आयु से ज्यादा है, उन्हें 80%, ठीक है, बीपीएल कार्ड धारी होंगे, और 20% जो है आपके एपीएल कार्ड धारी होंगे, इतना याद रखिए। जो 60 वर्ष की आयु वाले होंगे उसमें 80% किसको शामिल करना, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, ठीक है, और 20% जो एपीएल श्रेणी में आते हैं, ठीक है, बिलो पुअर और एबव पुअर, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि ये आयकर दाता ना हो, जो ये पर्सन है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब ये इनकम टैक्स नहीं भरता हो, ठीक है। और साथ ही इसमें पात्रता ये रखी गई है कि इसमें जो है छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, जो भी इस योजना के लिए अगर अप्लाई करता है तो वो क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, ठीक है, निःशक्त जन है, ठीक है, तब, और लास्ट जो है आपके 60 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के हैं, ठीक है। तो ये था आपका मुख्यमंत्री तीरथ भरत योजना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्कीम
मैं आपकी छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली, ठीक है, वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक स्कीम है जो 2 अक्टूबर 2019 से ये जो है चलाई जा रही है। कब से? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम से, 2 अक्टूबर 2019 से। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रति राशन कार्ड में, ठीक है, हर राशन कार्ड वालों को 35 किलो जो है चावल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ₹1 पर किलो चावल, ठीक है। अभी हम देखेंगे हर कार्डधारी, मतलब अलग अलग कार्ड बांटे गए हैं राशन कार्ड में, ठीक है, तो उनको देखेंगे कि किनको कितना राशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आप रखें कि प्रति राशन कार्ड जिनके पास है उनको 35 किलो चावल मिलेगा, और अगर 5 से अधिक अगर सदस्य हैं तो उनको 7 किलो चावल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो एपीएल परिवार को जो है, जो एपीएल परिवार है उनको, ये बीपीएल के लिए था, और एपीएल को ₹10 पर केजी जो है की दर से, ₹10 पर किलो, 1 किलो ₹10 में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कार्ड में जो है अलग अलग श्रेणी में इस कार्ड को बांटा गया है, राशन कार्ड को, ठीक है, तो उसी को देख लेते हैं। राशन कार्ड के कलर भी इस बार चेंज किए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि मिलान करने को अगर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक है आपका अंत्योदय राशन कार्ड, अगर जिसके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, पीला कलर का होगा, ठीक है, और इसको जो है 35 किलो चावल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा ₹1 पर केजी, मतलब ₹1 में 1 किलो चावल और 35 किलो चावल तक वो ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिकता राशन कार्ड दिया गया है जिसका कलर है आपका लाल, ठीक है, इसमें जो है एक सदस्य अगर होंगे तो उसको 10 किलो, 2 सदस्य होंगे तो उसको 20 किलो, और 3 से 5 सदस्य होते हैं तो 35 किलो चावल प्रोवाइड किया जाएगा ₹1 पर केजी में, ठीक है। और अगर 5 से अधिक सदस्य हैं तो उनको 7 केजी जो है पर सदस्य, मतलब हर सदस्य के हिसाब से 7 किलो जो है उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा राशन कार्ड देख लेते हैं, तो अन्नपूर्णा राशन कार्ड का कलर रखा गया है आपका नीला, ठीक है, जिसमें जो है 35 किलो चावल दिया जाएगा, ठीक है, 10 किलो जिनके पास अन्नपूर्णा राशन कार्ड है उसमें 10 किलो जो है आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, और साथ ही जो 25 किलो है वो ₹1 पर केजी की दर से लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो निराश्रित हैं, ठीक है, उनको 10 किलो चावल मिलेगा, और इनका जो कलर होगा इस कार्ड का वो है आपका स्लेटी कलर में, ठीक है, उनको फ्री में दिया जाएगा 10 किलो। और जो डिजेबल पर्सन है, निशक्त जन जिनके पास कार्ड है जिनका रंग होगा आपका काला, ठीक है, उनको जो है 10 किलो जो है चावल मिलेगा, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, इतना चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी मैप की सौर सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, सौर सिटी प्रोजेक्ट। अब देखते हैं ये क्या है कि जिस शहरों में जो है, जो सिटीज है उसमें जो है परंपरागत जो स्रोतों का यूज किया जाता है, ऊर्जा स्रोतों का, ठीक है, उसको बंद करके जो सौर ऊर्जा वाले जो स्रोत है, सौर ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ावा देना, सीधी बात रख करके शहरों में जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसमें जो है 65 शहर शामिल किए गए हैं जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 2 शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, 5 वर्ष में जो है, इससे हमें लाभ होगा कि 5 वर्ष में हम जो है 10% तक जो एनर्जी है, जो बिजली खर्च होती है, ठीक है, उससे हम बचत कर लेंगे, किसके माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारी स्कीम है वो है आपकी सौर सुजला योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा, जो किसान है उनको जो है सौर सिंचाई पंपों के लिए अंशदान दिया जाएगा, ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि खेतों में जो है सौर सिंचाई पंपों को अंशदान पर स्थापित करना, मतलब उनको सौर सिंचाई पंप लेने के लिए कुछ छूट प्रोवाइड की जाएगी या उनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। जिन इसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश में जो है 56,000+ जो है सौर सिंचाई पंप को स्थापित करना है, ठीक है, प्रदेश में 56,000+ सौर सिंचाई पंप स्थापित करना है, और इस वित्तीय वर्ष में जो है आपका 20,000 का लक्ष्य रखा गया है कि 56,000 आपको स्थापित करना है, और इस वित्तीय वर्ष में जो है आपको 20,000 का लक्ष्य रखा गया है कि 20,000 जो है आपको सौर सिंचाई पंप जो है खेतों में स्थापित करना है, ठीक है, जिसमें जो सौर पंप को एचपी से किया जाता है, तो जो पंप है, जो पंप लेंगे
अगर जो पंप लेता है, यहाँ पे लिखा गया, मैंने एचपी लिखा है, यहाँ पे एससी एसटी को कितना दिया जाएगा, ओबीसी को कितने में उपलब्ध करवाया जाएगा और जनरल को, तो जो 2 एचपी का लेगा ठीक है उसको जो है 5,000 में और ओबीसी को 9,000 और जनरल को 16,000 में प्रोवाइड होगा। अगर 3 एचपी का लेता है तो उसको हॉर्स पावर, ठीक है 3 एचपी हॉर्स पावर, तो अगर 7,000 जो है आपका एस सी एस टी के लिए, ओबीसी को 12,000 और जनरल को 18,000 ठीक है। और देखिए जो 5 एचपी का लेगा ठीक है, उसको एस सी एस टी अगर है तो उसको 10,000 रुपए में, ओबीसी है तो 15,000 में, और अगर जनरल है तो उसको 20,000 में उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा ठीक है। तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा सौर सुजला योजना क्या है ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोकवाणी रेडियो कार्यक्रम। इसमें जो है एक तरह आपने मोदी जी की बात, मन की बात जो होती है उनकी चल रही थी, तो उसी की तरह जो है हमारे भूपेश बघेल सरकार द्वारा लोकवाणी रेडियो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है ठीक है, जो 11 अगस्त 2019 को शुरुआत की थी और हर महीने जो है दूसरे रविवार को, हर महीने के दूसरे रविवार को जो है ये रेडियो पे आएंगे जो हमारे सीएम जी है ठीक है। और सीएम द्वारा रेडियो माध्यम से जो जनता को क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा, संबोधन किया जाएगा। और जो पहली बार जब ये रेडियो पे आए थे, ये कार्यक्रम चला था, तो उनका पहला विषय था खेती एवं ग्रामीण विकास ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक ठीक है, मतलब कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो दूरस्थ इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं ठीक है, मुख्यतः तो हर जिले में जो है और ज्यादातर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जो दूरस्थ इलाके में, आदिवासी इलाके में है, उसमें जो है एक मोबाइल मेडिकल टीम, मतलब कि एक बस में जो है बस के थ्रू हर इलाके में जाया जाएगा ठीक है। और वहां में लोगों का जो है जांच किया जाएगा, उपचार किया जाएगा और उनको दवाइयां वितरण किया जाएगा। ये है आपका मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक ठीक है। इसको भी 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था और बस्तर से प्रारंभ किया गया है, बस्तर में 2 जून को मतलब स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जो है ये सारे जिले में 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट है ठीक है। दूरस्थ अंचलों में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है, दूरस्थ अंचलों में और खासकर जो आदिवासी एरिया है ठीक है, प्रायोरिटी दी जाएगी जो आदिवासी एरिया को ठीक है। साथ ही आपका जो साप्ताहिक हाट बाजार, मतलब एक तरह से सप्ताह में एक बार जो है ये मेडिकल टीम जाएगी और उस वो जो है वहां के उपचार जांच और दवाइयों का जो है वितरण करेगी ठीक है। मोबाइल मेडिकल टीम का मतलब ये है कि एक बस में जो है सारे जरूरत के सामान जो एक स्वास्थ्य के लिए चाहिए ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चाहिए वो लेकर जो है जाएगी ठीक है। यह है आपका मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सुपोषण योजना में अगर आता है तो आप सीधे से मान लीजिए बच्चे होंगे या महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो कुपोषण के शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं या फिर महिलाएं ठीक है। तो इसको जो है 2 अक्टूबर 2019 को जो है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों के कुपोषण में कमी लाना था और साथ ही जो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में जो एनीमिया, मतलब जो खून की कमी हो जाती है ठीक है, उसको दूर करना ठीक है। और 3 वर्ष में जो है छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में ठीक है। और ये जो चीजें होंगी वो किसके माध्यम से होगी, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आंगनबाड़ी केंद्र है और पंचायत के माध्यम से जो है ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के माध्यम से जो है महिलाओं में एनीमिया की कमी को और कुपोषण से शिकार बच्चों को इन सब से दूर किया जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, ये भी जो है 2 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट की गई थी ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में एक तरह से मुख्यमंत्री जन चौपाल होगा ठीक है, जो हर नगरीय निकाय के वार्डों में वार्ड कार्यालय बनाए जाएंगे और यहाँ पे क्या किया जाएगा, जन जो जन समस्याओं का निवारण, जैसे कि वहाँ के वार्ड में ठीक है
पर्यावरण से कोई प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या है या स्ट्रीट लाइट से संबंधित, मतलब इस तरह से जितनी भी ये समस्या एक वार्ड में आ सकती है, ठीक है, तो उनमें जन समस्या जन लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके निराकरण के लिए जो है ये जो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है 3 लाख से अगर अधिक आबादी होगी वहां पे वार्ड में, तो वहां 2 वार्ड को मिलाकर जो है बनाया जाएगा एक वार्ड कार्यालय, ठीक है। और 2 से अगर 3 लाख से मतलब आबादी वाले हैं, ठीक है, 2 से 3 लाख तक के, तो उसमें 3 वार्ड को मिलाया जाएगा और एक जो है वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, ठीक है। तो यही है कि वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनको दूर करना है इसका लक्ष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पौनी पसारी योजना, ठीक है। यहाँ पे पौनी पसारी योजना क्या है, इसमें जो है नगरीय क्षेत्र में परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देना है, ठीक है। जैसे कि स्थानीय जो परंपरागत व्यवसाय होते हैं, जैसे बढ़ाई है, कुम्हार है, लोहार का काम है, बांस है, चटाई बिछाने, तो इस तरह से जो है इस परंपरागत जो व्यवसाय करते हैं उनको जो है एक शेड युक्त चबूतरे जो है प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो है 168 नगरीय निकायों को किया जाए ताकि वो अपना काम जो है सही से और एक स्वतंत्रता पूर्वक कर पाए, ठीक है। और इसमें भी जो है 50% का आरक्षण जो है किसको दिया जाएगा, आपके महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि जो स्थानीय परंपरागत व्यवसाय वगैरह जो होते हैं उनके लिए एक शेड युक्त बाजार में एक शेड युक्त चबूतरा उपलब्ध करवाना, यही है आपकी पौनी पसारी योजना, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे देख लेते हैं राजीव गांधी आश्रय योजना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको ज्यादा याद नहीं, इसमें सिर्फ इतना याद रखिए जमीन पट्टा से जो है ये संबंधित है, ठीक है। शहरी गरीबों को जमीन पट्टा उपलब्ध करवाना है, ठीक है, बस इसको यहीं पे याद रखिए। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान, हरियर मतलब हरियाली समझ लीजिए, हरियाली फैलाना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लक्ष्य किया गया है कि इसमें जो है 7,13,00,000 जो है पौधों का रोपण किया जाएगा। और इन पौधों का रोपण कहाँ किया जाएगा, जो नदियां होती है नदियों के किनारे पे जो है पौधों का रोपण किया जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा वन कुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहां पे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने पौधा रोपण का, ठीक है। तो उसी के बेस पे जो छत्तीसगढ़ में भी 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है आपका 7,13,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है नदियों का जो चयन किया गया है, तो शिवनाथ नदी के किनारे पे और आपके इंद्रावती, खारून, अर्पा, सकरी, इन नदियों के किनारे पे जो है तटीय मतलब तट पे जो है ये पौधा रोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है। तो जो सामूहिक रूप से जो कन्याओं का विवाह कराया जाता है, ठीक है, उसमें जो है आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है, उसको जो है इस बार बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ा के 15,000 से कितना कर दिया है, 25,000। जो पहले जो है आर्थिक सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा कन्याओं को दी जाती थी उसको अब 25,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ठीक है। ये मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना से मतलब जो योजना से संबंधित है, इस मतलब ये जो है केंद्र की है और इसी के बेस पे जो है मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना चलाई जा रही है, ठीक है, जिसका थीम है आपका मोर छत मोर बिजली, ठीक है, मोर छत मोर बिजली, मतलब छतों पे जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या करना, बिजली का उत्पादन करना, ठीक है। तो इसमें 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 600 मेगावाट जो है बिजली उत्पादित की जाएगी सौर ऊर्जा से, ठीक है। और मतलब इसमें होता है ना छतों में जो है पैनल लगा दिया जाता है, सौर पैनल, ठीक है, उस पे फिर जो है एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो वही है ये, ठीक। तो उसी के माध्यम से जो है आपके 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी और इसमें जो रखा गया है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए 50 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में हम जो है 50 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेंगे और 2022 तक का पूरा लक्ष्य रखा गया है कि हम 600 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सौभाग्य योजना, ये जो है बिजली से संबंधित है। इसमें गवर्नमेंट क्या है कि हर घर में बिजली की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए जो है सौभाग्य योजना चलाई जा रही है और ये 11 अक्टूबर 2017 से जो है चलाई जा रही है, ये केंद्रीय स्तर पे भी है
और इसमें जो है इस माध्यम में सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में जो है 23 जिले को जो है 100% विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 23 जिले जो है 100% विद्युतीकृत हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो बचे हुए कौन कौन से जिले हैं, तो बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये चार जिलों को छोड़ के बाकी जिले जो है 100% विद्युतीकृत हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका सौभाग्य योजना। चलिए अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो अभी औद्योगिक नीति बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, वो क्या चीज है। ठीक है, औद्योगिक नीति, अब औद्योगिक नीति क्या होती है, कि औद्योगिक नीति वो होती है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो गवर्नमेंट जो है उद्योगों का स्टेट लेवल पे या आपके सेंट्रल लेवल पे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अपने अपने तरीके से जो है क्या करती है, एक नीति या नियम लागू बनाती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, नीति या नियम बनाती है ताकि जो है राज्य में उद्योगों को बढ़ावा, तरह तरह के उद्योगों को जो है बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसमें जो है बाहर से भी लोग आते हैं उनको भी छूट दी जाती है, जैसे अगर आप सेंट्रल लेवल पे ले लो तो विदेशों से, आसपास के देश से जो है आते हैं उनके लिए भी छूट प्रोवाइड की जाती है, या आप राज्य में ले लो तो राज्य में भी यही चीजें होती हैं। ठीक है, अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है और हमारे राज्य में अगर उद्योग लगाना चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कुछ नियम लागू दे बनाती है और उसके लिए छूट भी देती है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं कि क्या है। तो इस बार जो है गवर्नमेंट की जो है पांचवी औद्योगिक नीति चल रही है, पांचवी औद्योगिक नीति जो 1 नवंबर से जो है, 1 नवंबर से 2019 से जो है 31 अक्टूबर 2024 तक जो है ये औद्योगिक नीति रहेगी। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए ये नीति बनाई गई है। इसका थीम है कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर और परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर। मतलब कि समावेशी विकास मतलब हर उद्योग को लेके, मतलब सबका विकास करना है। ठीक है, हर उद्योग को लेके मतलब विकास करना सबका, और आत्मनिर्भर बनाना, मतलब छत्तीसगढ़ जो है किसी पे डिपेंड ना रहे, आत्मनिर्भर रहे, ऐसे उद्योगों की आपको स्थापना करनी है। परिपक्व अर्थव्यवस्था की, छत्तीसगढ़ एक अच्छा अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। ठीक है, ये है आपका थीम, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति है का थीम है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके, कि देशी विदेशी निवेश प्रोत्साहित करना, मतलब वही है कि देश से अगर किसी अन्य राज्य से आके हमारे राज्य में अगर छत्तीसगढ़ में अगर कोई उद्योग लगाते हैं, ठीक है, साथ ही या कोई विदेश मतलब देश से बाहर से अगर आके कोई मतलब निवेश यहाँ करना चाहते हैं, कंपनी कोई अपना खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपकी ये औद्योगिक नीति बनाई गई है। ठीक है, दूसरी चीज है कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी खोली जाएगी छत्तीसगढ़ में या कोई इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाहर से, ठीक है, तो इससे राज्य के जो युवा है उनको भी तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कि उनका खुद के स्वराज, मतलब अगर वो कुछ भी स्वरोजगार अपना बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत उनको अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 3 श्रेणियों में जो है आपको बांटे गया है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। एक तो उच्च प्राथमिकता, मतलब सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी, फिर प्राथमिकता श्रेणी, ठीक है, उसके बाद आपकी सामान्य श्रेणी। ठीक है, तो उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत क्या रखा गया है कि जो उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, उन उद्योगों की यहाँ पे स्थापना करना, जैसे कि हर्बल है, हर्बल उद्योग ज्यादा नहीं छत्तीसगढ़ में, वनौषधि, लघु उद्योग, रेलवे, अंतरिक्ष, दूर संचार, रक्षा एक्सेट्रा है, टेक्सटाइल है, निर्यातक है, रोबोटिक्स उद्योग है। ठीक है, तो इस तरह के जो उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर है, ठीक है, उनको जो है बढ़ावा देना। ठीक है, उनकी वृद्धि करना। और नेक्स्ट है जो आपकी प्राथमिकता श्रेणी, तो प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत जो मिडिल जो है लेकिन वो अभी तक उतने उन्नत नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो उनको और ज्यादा उन्नत करना है। तो ये है आपके प्राथमिकता श्रेणी, मतलब मिडिल मध्यम उद्योग को जो है आपके प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आ रहे हैं उसको देखते हैं, जैसे कि साइकिल निर्माण है, ठीक है,
साइकिल निर्माण है, ब्रांडेड डेयरी है, ठीक है, और आपका विद्युत उत्पादन प्लांट है, मेडिकल उपकरण है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जैविक निर्माण है, तो ये इन उद्योगों का जो है स्थापना करना। साथ ही सामान्य श्रेणी को भी इसमें शामिल किया जाए जो कि छत्तीसगढ़ में है और अच्छे खासे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया कि उनकी भी वृद्धि की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के कमजोर वर्ग के जो उद्यमी है या भूतपूर्व सैनिक है या महिलाएं हैं, ठीक है, उनको उद्योग खोलने के लिए, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, आर्थिक सहायता जो है उनको प्रदान की जाएगी अगर वो अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखना होगा अगर कोई उद्यमी आता है, कोई अपना उद्योग करता है, ठीक है, चाहे वो राज्य के हो चाहे अन्य देश से आ रहे हो, ठीक है, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो प्रदूषण रहित उद्योग करें, मतलब पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षित उद्योग हो, ठीक है। साथ ही साथ अब देखते हैं कि जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम भी बनाया गया है उसमें क्या बोला गया है कि देखिए जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन में आएगा कि अगर कोई बाहर से छत्तीसगढ़ में मान लो कोई अपना उद्योग खोलता है, कोई दूसरे राज्य से आता है, ठीक है, या फिर कोई विदेश से आता है, वो हमारे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है उद्योग के लिए, ठीक है, या कोई कंपनी खोलता है, तो अब उनको वर्कर की तो जरूरत पड़ेगी ना, कि आपको वर्कर चाहिए, ठीक है, अगर किसी कोई कंपनी खोल रहा है, ठीक है, तो उनको तो वर्कर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए नियम बनाए गए हैं, अगर आपको वर्कर चाहिए और अगर आपको कोई अकुशल अगर कर्मचारी चाहिए होगा तो आप 100% जो है अकुशल कर्मचारियों की श्रेणी में जो है आप छत्तीसगढ़ से ही जो है आपको 100% अकुशल कर्मचारी को लेना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कुशल कर्मचारी होंगे तो आपको 70% जो है आपको छत्तीसगढ़ से लेना होगा, ठीक है। अगर प्रशासकीय कर्मचारी चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ठीक है, उनमें आपको 40% जो है जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, अगर वो आपको चाहिए होगा तो आपको 40% जो है आपको राज्य से ही लेना होगा, ठीक है। ये कुछ नियम बनाए गए हैं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो औद्योगिक पुरस्कार भी मतलब इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें 5 श्रेणी शामिल किए गए हैं जिनको जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि एमएसएमई द्वारा अगर कोई समग्र मूल्यांकन मतलब इसके द्वारा जो उद्योग किया जाता है, SC ST के द्वारा जो एमएसएम सूक्ष्म और लघु उद्योग किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा जो सूक्ष्म और लघु उद्योग किए जाते हैं, जो निर्यातक होते हैं, ठीक है, जो निर्यात करते हैं राज्य में, ठीक है, और जो स्टार्टअप इकाइयां हैं मतलब कि जो अभी शुरू की हैं अपने उद्योग, मतलब जिनको 5 साल से कम टाइम हुआ है, 5 साल नहीं हुआ है, साथ ही साथ इसमें जो जिनका जो टर्नओवर है, एनुअल जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है, वो होती है आपकी स्टार्टअप इकाइयां। तो इन 5 श्रेणी को पुरस्कार के लिए जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो जो अगर इन जो अच्छा काम करेगा उसको जो है फर्स्ट पुरस्कार में 1,51,000 रुपए मिलेगा, सेकेंड पुरस्कार 1 लाख रुपए का, और थर्ड जो है 51,000 का, ठीक है। तो ये है आपका औद्योगिक नीति, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कृषि कर्मठ पुरस्कार, ठीक है। कृषि कर्मठ पुरस्कार अवार्ड जो है दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ये पहले याद रखे कि ये दिया जाता है कृषि के उत्पादन के लिए, ठीक है, कृषि में उत्पादन के लिए जो है कृषि कर्मठ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ये अवार्ड समारोह आपके कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अवार्ड दिया गया है हर जिनको प्रदान किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपके इसमें 21 राज्य जो है शामिल किया गया है, 21 राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है, और याद रखिए कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को जो है आपके खाद्यान्न उत्पादन के लिए मतलब 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है आपको छत्तीसगढ़ को जो है पुरस्कार दिया गया है कृषि कर्मठ अवार्ड, ठीक है। इसमें जो है 2 कृषकों को भी पुरस्कृत किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। पहले आपकी अदिति कश्यप है, ठीक है, जो कृषक है, जो कहाँ से है, कवर्धा से है, ठीक है, कबीर धाम से। और दूसरी जो है वीरेंद्र कुमार साहू है, वो जो है आपके कहाँ से है, धमतरी से है, ठीक है। इन 2 कृषकों को जो है कृषि कर्मठ अवार्ड द्वारा
पुरस्कृत किया गया है और छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न उत्पादन, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए दिया जाता है ना, तो हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, और वो भी कब, जो 16-17 के खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है छत्तीसगढ़ को मिला। याद रखिए 17-18 के खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्तराखंड को मिला। तो आप वहां पे अगर क्वेश्चन में आता है तो याद रखिएगा कि जो 16-17 का पूछ रहा है या 17-18 का पूछ रहा है। 16-17 का पूछ रहा है तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है, और अगर 17-18 का पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना है, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को कुल 5 बार अवार्ड मिला है, कृषि कर्मण अवार्ड, जिसमें 2 बार आप जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है आपके छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं आप एमएसपी। ठीक है, एमएसपी, तो एमएसपी क्या होती है पहले ये समझिए। एमएसपी वो होती है कि एक तरह से आप ये समझिए कि गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, गवर्नमेंट किसानों को गारंटी देती है। आप गारंटी क्या देती है, किसानों को ये गारंटी देती है कि अगर आपका सामान जिस जो उत्पादन किया है, मान लो धान उत्पादन किया है, गेहूं उत्पादन किया है, ठीक है, तो अगर आपका वो नहीं बिकता है, ठीक है, अगर आपको इससे फायदा नहीं होता या मार्केट में ये नहीं बिकता है, तो हम जो है एक फिक्स प्राइस करेंगे, मतलब एक फिक्स प्राइस किया जाता है और बोला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम जो है इतने पैसे में जो है आपका जो भी सामान है, ठीक है, जो भी फसल है, ठीक है, उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक तरह से किसानों को गारंटी देती है कि अगर आपका फसल नहीं बिकता है तो हम जो है आपके फसल को इतने प्राइस पे खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये होता है एमएसपी। ठीक है, तो देखियो फसल तो बहुत सारी है ना, कि आप बहुत सारी फसलें होती है, खरीफ में भी कितनी सारी फसलें होती है, तो सारे फसलों को याद रख पाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उन फसलों को लिया है जो मेनली जो है छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे। तो अगर आप सारा याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन्हीं चीजों को याद रखिए जो पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए खरीफ फसल के लिए देखते हैं, तो धान के लिए देखते हैं, तो धान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी याद रहे ना रहे धान आपको याद रखना है। ठीक है, तो धान जो है आप मतलब एमएसपी कितना रखा है, तो 1815 रुपए प्रति क्विंटल जो है धान के लिए, और जो ग्रेड ए वाले धान होंगे उनके लिए जो है 1835 रुपए प्रति क्विंटल होगा। ठीक है, और इसपे जो एक संस्था होगी ना, जो संस्था खरीदेगी, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो डायरेक्ट नहीं सर खरीदेगी ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक संस्था को कहेगी कि आप जो है जाके ये जो है खरीद लीजिए। ठीक है, तो धान को जो है मार्फेट जो है संस्था है एक गवर्नमेंट की, वो जो है खरीदेगी और 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मक्का। ठीक है, मक्का का जो एमएसपी रखा है 1760 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, एक को जो है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो है खरीदा जाएगा। ठीक है, सोयाबीन ये संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट की संस्था है, जो मतलब गवर्नमेंट गारंटी देगी ना, तो कोई संस्था के माध्यम से ही खरीदेगी, तो ये संस्था है जो किसानों से ये खरीदती है। ठीक है, और सोयाबीन के लिए है 3710 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, रबी फसल में दो याद रखिएगा, सरसों और चना। सरसों जो है 4425 रुपए प्रति क्विंटल होगा, चना जो है आपका 4875 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, आपको बस इतनी ही चीजें याद रखनी है और अपना बेस रखिए कि एमएसपी जो है होता क्या है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसपी जो है क्या है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम देख लेते हैं कुछ और चीजों को। देखिए खेती देख लेते हैं। ठीक है, तो खेती देखो अभी हाल फिलहाल में कुछ खेती की जा रही है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी की खेती आपके कहाँ की जा रही है, जसपुर में, याद रखिएगा जसपुर में। ठीक है, मसालों की खेती, मसाला याद कर लीजिएगा, मसालों की खेती जो है सारूडी, जसपुर के सारूडी में की जा रही है, और कॉफी की खेती जो है आपके बस्तर में की जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। तेंदुपत्ता हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए कितना रखा गया, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आया था क्वेश्चन, एक मानक बोरा में कितना होता है, तो आपको याद रखना 50,000 जो है एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता होते हैं। ठीक है, और साथ ही याद रखना सर्वाधिक संग्रहण, सबसे ज्यादा संग्रहण कहाँ, किस जिले से किया गया, तो सबसे ज्यादा आपका बलरामपुर
सुकमा और सूरजपुर। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि तेंदुपत्ता को कितना उसका रखा गया एमएसपी, तो आपको 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदेंगी गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही इसका सर्वाधिक संग्रहण किया कहाँ है, तो बलरामपुर, फिर उसके बाद सुकमा, फिर उसके बाद आपका है सूरजपुर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, कैसा लगा बताइए।